हेलो दोस्तों, आरकेपी लक्ष्मी बाइक केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास एक गाड़ी आई है, सुजुकी एक्सिस। उसका एयर फिल्टर इतना ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा था कि शायद कोई ही बेवकूफ़ मैकेनिक होगा जिसने उसे सर्विस पे साफ ही नहीं करा। कस्टमर एक विश्वास पे सर्विस करवाता है गाड़ी की, इतनी ज़्यादा डस्ट, मतलब यकीन नहीं होता। चलो मैं खुद आपको दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, ये सुजुकी एक्सिस ओल्ड वाली है। इसका एयर फिल्टर ऐसे निकला है, बिल्कुल डस्ट, एकदम बिल्कुल डस्ट, मतलब भरा हुआ, बिल्कुल डैमेज। और ये इसका एयर फिल्टर बॉक्स है जो कि इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो गाइस, इसे कभी भी, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है मिट्टी रोकने के लिए, इस वजह से इसमें ज़्यादा डस्ट हो जाता है। तो इस फिल्टर को साफ़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा। पूरा निकालने के लिए उसके बाद हम इस फिल्टर बॉक्स को पेट्रोल से वॉश करेंगे, वाटर से ब्रश करेंगे, उसके बाद इस फिल्टर को लगाएंगे, ठीक है। और ये इसका कैप है, अगर ये मिस हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी में प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे मिसिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ जाने लगती है। ये कैप देख रहे हो कितने डस्ट है, तो इसे हम बढ़िया से क्लियर करके साफ करेंगे। तो चलो अब आगे का प्रोसेस है, साफ करने के बाद दिखाते हैं कितना ज़्यादा साफ होता है। बहुत ही ज़्यादा डस्ट है अभी तो गाइस, हमने इसे बॉक्स को साफ कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, देख सकते हो आप। ये अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का, तो पहले देखा था आपने कितना डस्ट है, तो वो भी एकदम क्लियर है। अभी उसको अभी पेट्रोल से वॉश करेंगे, इसे ज़्यादा असर न करा है। ये स्टील वर्ड का इन्होंने एयर फिल्टर दिया है, वो भी जेन्युइन, मात्र 100 रुपये बता रहा है, 115 रुपये MRP के साथ। देखते हैं क्या क्या निकलता है अंदर से एयर फिल्टर, एक मिनट। अभी तो नहीं आया, जेन्युइन स्टील वर्ड का फुल पैकिंग। चलो लोग एयर फिल्टर है, ये स्टील वर्ड का फिल्टर है। अब हम इसे लगाएंगे, एक मिनट कैमरा रख के। और ये हमारा पुराना फिल्टर है, इसमें क्या हालत है। और ये हमारा फिल्टर बॉक्स देख लो कितना क्लियर कर दिया, एकदम क्लियर, मक्खन फुल मक्खन तरीके से साफ कर दिया। अब हम इसे लगाएंगे। ये देखो गाइस, दोनों फिल्टर पुराने वाले में कितना रफ, कितना डस्ट है, मतलब फिल्टर की हालत देख रहे हो, देख रहे हो, जिंदगी झंड झंड हुई पड़ी है फिल्टर की, फिर भी यही फिल्टर में चला रहे हैं। और ये है नया स्टील वर्ड का, अच्छी कंपनी है स्टील वर्ड भी। चलो अब जल्दी से फटाफट, ना देरी करते हुए इसे फिट करते हैं, और फिट करके आपको गाड़ी का फिर साउंड सुनाते हैं, क्या सर्विस साउंड मिला है एयर फिल्टर को बिना देरी करे हुए। चलिए ये फिल्टर हमने बिठा दिया, अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन इसका सेट करते हैं फिक्स हो गया, मात्र 3 पेच लगे हुए थे इसके अंदर। ये एक्चुअली कस्टमर की दिक्कत नहीं होती, कस्टमर तो पूरे पैसे दे रहा है, सर्विस करवा रहा है, ये होती है मैकेनिक की गलती। अब हमें इसमें पेच कंप्लीट करने होंगे, तो यहाँ आ गए। चलिए अब ना देरी करते हुए इसे फिट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, जल्दी से इसे फिट करके फिर दिखाता है आपको पूरी गाड़ी कंप्लीट करके, उसके पहिए वगैरह क्लीन करके, टैपेट वगैरह, प्लग वगैरह चेक करके, एक्सलेटर वगैरह और कंडीशन चेक करते हैं गाड़ी की, क्लच साफ करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है गाड़ी का, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्टर इतना ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा था कि मुझे चेंज ही करना पड़ा वो फिल्टर। तो मेरी यही दरख्वास्त है मैकेनिक से, कस्टमर से, कि अगर आपके सामने मैकेनिक ये गलती करता है, या फिर मैकेनिक भाई ही क्यों ना हो,
अगर फ़िल्टर को इतना ज़्यादा गंदा है, फ़िल्टर बॉक्स गंदा है, तो उसे साफ़ कर दो और नया फ़िल्टर लगाओ। अगर फ़िल्टर बिल्कुल ही डैमेज है, और कस्टमर से ही दरख्वास्त है कि ना लापरवाही करते हुए फ़िल्टर को बदलवा दो। इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी, कार्बोरेटर क्लीन रहेगा। नहीं तो अगर इतना गंदा फ़िल्टर चलाओगे तो उसी डस्ट के थ्रू फ़िल्टर में से निकल के अंदर कार्बोरेटर में डस्ट जाएगा और दिक्कत देगा। और स्कूटी का साउंड सुनाने के लिए माफ़ी चाहते हैं, कस्टमर लेट हो रहे थे इसलिए कस्टमर हमें टाइम नहीं दे पाए, इसका साउंड सुनवाते, नहीं तो हम आपको एकदम मतलब मक्खन जिसे कहते हैं ना, मक्खन की तरह स्कूटी का साउंड हो गया, स्मूथ चल रही रेस, जैसे होता है ना कि एकदम हमने रेस दी और रेस देते के साथ ही होता है कई बार के गाड़ी पहले रेस पकड़ती है फिर चलती है धीरे 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 धीरे, ऐसा कुछ नहीं, जैसी रेस दी वैसी गाड़ी साँ ऐसी ना आगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुँचे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।